नमस्कार दोस्तों, आपके अपने टेक्निकल ग्रुप पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कैलेंडर का कुछ फार्मूला और जितने भी कॉर्ड थे, हम सारे कॉर्ड को हम उसमें कवर किया था, जो कि पार्ट टू है। पार्ट टू में आपको हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, कैलेंडर से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद पार्ट थ्री भी आएगा। इस प्रकार से 2-3 पार्ट आएंगे, कैलेंडर का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से पार्ट टू में जो है आपको कैलेंडर का क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन पूछा गया है, 2 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा, ना कौन सा दिन होगा। इस प्रकार से दिन का फॉर्मूला जो है, दिन का फॉर्मूला क्या होता है, दिन निकालने के लिए यहाँ सूत्र लिखा गया है, दिन बराबर डेट प्लस महीना प्लस वर्ष कोड प्लस वर्ष प्लस शताब्दी कोड, ना इस प्रकार से आपको निकालना है 27, ना इस प्रकार। देखिए डेट तो 2 अक्टूबर का तो 2 हो जाएगा, अक्टूबर का मंथ कोड क्या है, महीना कोड अक्टूबर का क्या है, अक्टूबर का महीना कोड जीरो प्लस उस प्रकार से 2023 का जो है वर्ष में 4 से भाग देंगे तो 5 मर्त में लगेगा और उसका भागफल लिखना है ना, तो 5 मर्त में लगेगा, 5 और 23 उसके बाद वर्ष तो 23 लिखेंगे। उसके बाद क्या कहता है, शताब्दी कोड, तो 2023 का शताब्दी कोड 2000 होगा, तो 2000 का कोड क्या है, 6 है। इस प्रकार से आपको 6 लेना है, कुल मिला के बट्टा 7 ना, इसको जोड़िए 527 527 713 13 23 36 27 इसको काटिए 1 किसका था, 1 जो है दिन का कोड में किसका है, दिन का कोड 1 बराबर क्या होता है, सोमवार होगा। आप लोग इस प्रकार जो है इसका कैलेंडर में आप मोबाइल से निकालिए या किसी कैलेंडर में देख लीजिए कि हाँ 2 अक्टूबर 2023 का सोमवार होता है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 8 मार्च 2023। तो पहले डेट मार्च का कोड 3 होगा, 3। उसके बाद क्या लिखा गया, वर्ष में 4 से भाग देंगे, 23 में 4 से भाग देंगे तो वही होगा, 5 ही होगा। उसके बाद वर्ष का तो 23 प्लस उसके बाद शताब्दी कोड कितना होगा, 2000 का 6 होगा, तो 6 लिखेंगे, 27 ना। इस प्रकार से 8, 3, 11, 16, 22 और 23 को जोड़िए 45 होगा, 45 × 7 42 हो जाएगा। उसके बाद 3 से सोचेगा, 3 मतलब दिन का कोड में 3 आ रहा है, 3 का मतलब क्या, सोम मंगल बुध, इस प्रकार से बुधवार होगा। ओके, इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन पे आपके लिए चलते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2022, तो 25 का डेट प्लस अक्टूबर का मंथ कोड क्या होगा, अक्टूबर का 0, उसके बाद 22 है तो 5 से 4 से भाग देंगे तो 5 बार में तो 5, उसके बाद वर्ष, उसके बाद ईस्वी शताब्दी कोड क्या होगा, 2000 का 6 हो जाएगा, और 27, इस सबको जोड़ना है, उसके बाद 7 से डिवाइड करना है, 22, 6, 28, 28, 5, 28, 5, 33, 33, 25 और 33 को जोड़िए, 5 × 8, 3 × 5, 58, मतलब कुल मिला के 58/7, 8 × 56, 8 × 56 दो शेष बच रहा है, शेष फल दो बच रहा है, तो दो बच रहा है मतलब दिन का कोड, दिन कोड
मंगलवार क्या होगा? सोम, एक होता है मंगल दू, तो मंगल होगा ना मंगलवार, मंगलवार। इस प्रकार से आप अपने जो है कैलेंडर में निकाल के आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ टाइप्स बताने वाले हैं। इस प्रकार से टाइप्स देखिए, अगर कोई साधारण वर्ष है, अगर कोई साधारण वर्ष है, अगर साधारण वर्ष के 1 जनवरी को, साधारण वर्ष, साधारण, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में किसी भी वर्ष, किसी भी वर्ष 1 जनवरी, 1 जनवरी को सोमवार है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर, दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई साधारण वर्ष में अगर कोई साधारण वर्ष में अगर कोई कोई साथ कहने का मतलब ये हुआ कि कोई साधारण वर्ष में अगर साधारण वर्ष में ईयर में 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो वो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये होगा साधारण वर्ष में अगर फर्स्ट दिन अगर सोमवार हो रहा है तो लास्ट दिन भी वो इस वर्ष का लास्ट दिन भी सोमवार ही होगा। अगर साधारण वर्ष से ही साधारण वर्ष में अगर 1 साल का डिफरेंट होता है, 1 साल का अंतर होता है, मान लीजिए 2001 से 2002 में जाना, 2002 1 जनवरी, तो एक दिन का अंतर होगा, प्लस वन कर देंगे, क्या करेंगे प्लस वन। अगर ये सोमवार है तो ये मंगलवार हो जाएगा, समझ गए। इस प्रकार से अगर लीप ईयर हो तो उसमें 2 दिन बढ़ाना है। अगर लीप ईयर का अगर 1 जनवरी को कोई कह दिया कि अगर सोमवार है तो अगर अगले वर्ष लीप कोई साधारण वर्ष हो, लीप ईयर से अगर साधारण वर्ष में जा रहे हैं, 1 जनवरी को अगर कह रहा है सोमवार है, अगले वर्ष जो साधारण वर्ष में जाइएगा वो 1 जनवरी को वो 2 दिन जुट जाएगा, सोम के बाद मंगल छोड़ के बुधवार हो जाएगा। इस प्रकार से इस टॉपिक में आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आप अगर पसंद करते हैं, अगर अच्छा लगे आपको, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आते रहे आप लोगों के बीच। ओके, थैंक यू।